डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। संपूर्ण देश में आज दशहरा धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन मेरठ जिले का एक गांव गगोल ऐसा भी है जहां वर्षों से दशहरा नहीं मनाया जाता। यहां रामलीला का आयोजन भी नहीं किया जाता। वजह यह है कि इस गांव में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों को दशहरे के दिन फांसी दी गई थी, तभी से यहां दशहरा नहीं मनाया जाता। जहां चारों तरफ बुराई पर अच्छाई की जीत के इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, वहीं गगोल में चारों तरफ मायूसी पसरी रहती है। यह गांव मेरठ जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गांव के कई ग्रामीणों ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी है। हाँ जी, मेरा नाम कमल है जी, गगोल के रहने वाले हैं। अच्छा कमल जी, यहाँ की बात करें दशहरा पर, क्या है, क्यों नहीं मनाते दशहरा? देखो जो धूम में डूबा रहता, जो हमारे बड़े थे, बड़े बुजुर्गों, अंग्रेज जो ने उनको फांसी लगाई, 9 हिंदू थे, एक मोहम्मदन था जी, वो जब से हमारे यहाँ कोई दशहरा नहीं मनता है, पूरा गांव शोक में डूबा रहता है। अच्छा रामलीला की बात करें, रामलीला कोई रामलीला यहाँ नहीं होती है, कोई ऐसा वो नहीं है। अच्छा एक आन पड़ी हुई है, हाँ, कुछ ऐसे भी घर हैं जहाँ, हाँ कुछ के घर हैं ऐसे जिसको जिस मतलब दशहरा के दिन बच्चा हो गया उसके आन टूट जाती है, वे दशहरा मनाते हैं थोड़ा बहुत, बाकी ऐसे ही। बाकी पूरे गाँव में कैसा माहौल है? फिक्का फिक्का सा माहौल रहता है दशहरे को, ऐसा कुछ नहीं। क्या दशहरे वाले दिन ही फांसी दी गई थी क्रांतिकारी? हाँ जी बिल्कुल, दशहरे वाले दिन। तो मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक, गगोल में हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ दशहरा नहीं मनाया जाता, क्या वजह है? दरअसल यहाँ पे जब जिस टाइम अंग्रेजों का राज था उस टाइम यहाँ पे अंग्रेजों ने 10 लोगों को फांसी लगाई थी, उनमें से 9 लोग हिंदू थे और एक मुसलमान थे, तो तब से ही आन पड़ी हुई है इस गाँव में दशहरा नहीं मनता। और बाकी जिनके घरों में दशहरे के दिन कोई बच्चा हो गया तो उनके आन टूट गए, उनके घर में दशहरा बन जाता है। अच्छा दीपक, बात करी जाए पूरे देश भर में रामलीला का मंचन भी विशेष तौर पर होता है, मेरठ को रावण की ससुराल के रूप में भी देखा जाता है, तो यहाँ रामलीला वगैरह का क्या रहता है, होती है या नहीं? जी यहाँ रामलीला भी नहीं होती और दशहरा भी नहीं बनता है। तभी से कैसा रहता है माहौल यहाँ दशहरा का दिन? बस गमगीन सा रहता है, एक शोक में डूबा हुआ। आपके अपने क्रांतिकारी थे? हाँ जी, हमारे अपने क्रांतिकारी थे, करीब 200 साल हो चुके हैं इन बातों को, तभी से अब तो उनकी यादें धुंधली हो गई हैं। नाम बता दीजिए। जबर सिंह, गगोल से बोल रहा हूँ, मेरा नाम, गांव का नाम गगोल है, और यहाँ जो है 10 आदमियों को फांसी लगी थी और अंग्रेजों को न लगाई थी, और तब से दशहरा नहीं मनाते, शोक में रहते हैं। अच्छा बात यहाँ की करी जाए तो एक आन नहीं टूटी, और कुछ परिवारों में ऐसा है जिनमें दशहरे के दिन कोई बच्चा वगैरह हुआ तो वहाँ मनाया जाता है या वहाँ भी कुछ जाता है? मैं तो भूल जी। हाँ हाँ, तो कितने साल हो गए चाचा इस बात को? वो तो बहुत तक क्या माहौल रहता है दशहरा जी? हम तो पैदा भी नहीं हुई है जब से बात चलती आ रही है ये। ठीक है, पूरा देश दशहरे की धूम में रहता है और यहाँ पूरा गम का माहौल रहता है। हाँ जी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।